बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज जो है हम इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे विद ग्रुप वन के एलिमेंट्स यानी कि अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप वन के एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन मेटल्स के साथ मैंने आपके साथ डिस्कशन की, और इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके साथ जो है डिससिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप वन के एलिमेंट्स या फिर जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप वन के एलिमेंट्स की जब मैं डिस्कशन करूंगा तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब H2 की फॉर्म में, जबकि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं स्टूडेंट्स इसके बरक्स जितने भी अल्कली मेटल्स आपके पास हैं वो सारे आपके पास मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया अकेला उसका एटम एग्जिस्ट करता है, लिथियम अकेला उसका एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट इट इज प्योरली नॉन मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन क्या इट इज प्योरली नॉन मेटल है, जबकि जितने भी ग्रुप वन के एलिमेंट्स है दे आर प्योरली द मेटल्स। सही है भाई। अच्छा, हाइड्रोजन जो स्टूडेंट्स इट हैज एन एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एज वेल। इसकी क्या एबिलिटी है स्टूडेंट्स के, ये क्या है आपके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। ठीक है, और जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या बना लेगा, एच माइनस आइन बना लेगा। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके पास मेटल्स हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स के इनके ऊपर चार्ज कभी भी आपके पास नेगेटिव जो है वो नहीं आ सकता। जैसे Li पर नेगेटिव चार्ज या सोडियम पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, कभी भी इसके ऊपर जो स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज आपके पास नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपके पास जो है Na नेगेटिव कभी भी आपके पास फॉर्म नहीं हो सकता, Li नेगेटिव नहीं फॉर्म हो सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें जैसे कि आज हैलोजन्स हैं उनके साथ जब हाइड्रोजन मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl आपके पास बन जाएगा या फिर आपके पास HBr आपके पास फॉर्म हो जाएगा, तो इनकी कंडीशन में हैलोजन जब आपके पास क्या मिलेगा हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन मिलता है तो दे कंबाइन विद द हेल्प ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन या हाइड्रोजन ब्रोमीन या हाइड्रोजन फ्लोरीन और हाइड्रोजन आयोडीन के दरमियान। मतलब हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ मिलता है तो विद द हेल्प ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास जो है इनके दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होता है, जबकि जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स अल्कली मेटल्स हैं वो जब हैलोजन के साथ मिलेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl आप देख लें या फिर NaBr आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स आपके पास जब मेटल हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो स्टूडेंट आपके पास एक आयनिक सब्सटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है या सोडियम ब्रोमीन के दरमियान या लिथियम ब्रोमीन के दरमियान या लिथियम आयोडीन के दरमियान या पोटेशियम रुबिडियम के दरमियान आपके पास क्लोरीन के दरमियान या पोटेशियम आपके पास जो है ब्रोमीन के दरमियान या पोटेशियम आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड है दिस इज प्योरली आयोनिक बॉन्ड। मतलब व्हेन द मेटल्स ऑफ ग्रुप वन के एलिमेंट यानी अल्कली मेटल जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होते हैं दे कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ आयोनिक बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है तो दे कनेक्ट विद अ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड एक्चुअली कौन सा बॉन्ड होता है आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा एक और एक जो बड़ा मसला है वो ये कि भाई आपके पास एच पॉजिटिव आयन जब भी पानी के अंदर बनता है ये स्टेबल नहीं होता। क्यों स्टेबल नहीं होता? क्योंकि इसकी सॉल्वेटेड फॉर्म पानी में आपको मिलती है। सॉल्वेटेड फॉर्म का मकसद जब ये वाटर के अंदर प्रोड्यूस होता है तो फौरन से क्या बना देता है H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। एच पॉजिटिव आयन इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, यानी कि जो कैटाइन है जो बन भी जाता है अगर हाइड्रोजन का वाटर के अंदर तो इट इज हाईली अनस्टेबल, फौरन से वो सॉल्वेट हो जाता है पानी के साथ। और H पॉजिटिव आयन की सॉल्वेटेड फॉर्म अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि भाई H पॉजिटिव आयन की सॉल्वेटेड फॉर्म क्या है तो हम उसे कहते हैं H3O पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन पानी में स्टेबल नहीं होता, फौरन से सॉल्वेट हो जाता है वाटर के साथ और उसकी सॉल्वेटेड फॉर्म अपनी बना लेता है, दैट इज H3O पॉजिटिव आयन। जबकि आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स अल्कली मेटल्स हैं ये सारे आपके पास पानी के अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब Na पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रेट बना लेता अपने इर्द गिर्द बस पानी को जमा कर लेता है। इसी तरह से जैसे Li पॉजिटिव आयन ये भी अपने इर्द गिर्द वाटर को हाइड्रेट बना लेता है। इट मींस के जितने भी अल्कली मेटल्स के कैटाइन है पानी के अंदर दे आर स्टेबल, जितने भी एच पॉजिटिव यानी कि जो एच पॉजिटिव आयन है वाटर के अंदर इट इज हाईली अनस्टेबल, इट गेट्स सॉल्वेट विद द H2O एंड फॉर्म द H3O पॉजिटिव आयन, जबकि जितने भी अल्कली मेटल्स के कैटाइन है दे आर स्टेबल इन टू द वॉटर एंड हाइड्रेट विल फॉर्म, यानी कि पानी के अंदर कैटाइन्स ऑफ अल्कली मेटल्स विल हाइड्रेट एंड दे आर स्टेबल,
तब क्या है, वॉल्टेड वाइन पानी के अंदर क्या करता है, सॉल्वेटेड फॉर्म में अपनी एग्जिस्ट करता है और वो स्टेबल नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, फॉरन से H2O से मिलकर H3O पॉजिटिव आयन बना लेता। सो दीज आर द डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट्स विद द अल्कली मेटल्स या फिर ग्रुप 1D एलिमेंट जिसे आप कह सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 4A एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए स्टूडेंट्स इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।